एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने उत्तर प्रदेश के कलाकारों को पढ़ा था, तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम उत्तर प्रदेश के एक अन्य कलाकार को पढ़ेंगे। तो हमारे आज के कलाकार हैं जगदीश गुप्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये हरदोई से संबंधित हैं। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? हरदोई में हुआ है, ठीक है। और इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई है, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इनके जन्म की बात करें, जन्म तो इनका जन्म हुआ है 3 अगस्त 1924 को। कब? 3 अगस्त 1924 को, 3 अगस्त 1924 को शाहबाद हरदोई उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? शाहबाद हरदोई, शाहबाद हरदोई। और हरदोई आप जानते हैं कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। ये होगा इनकी जन्म की बात। अब अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा हुई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कहाँ से हुई है इनकी शिक्षा? इनकी शिक्षा हुई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो इनकी शिक्षा कहाँ से हुई है? इनकी शिक्षा हुई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अब देखेंगे इनके कला गुरु कौन थे। अगर इनके कला गुरु की बात करें तो इनके कला गुरु थे जितेंद्रनाथ मजूमदार। कौन थे? जितेंद्रनाथ मजूमदार थे कला गुरु। कौन थे? जितेंद्रनाथ मजूमदार थे, जितेंद्रनाथ मजूमदार थे। अब बात करेंगे इनकी पुस्तकों के बारे में, ठीक है। तो अगर इनकी पुस्तकों में देखेंगे तो इनकी इन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं, ठीक है। तो पुस्तकों में इनकी बात करते हैं तो पुस्तकों में है भारतीय कला के पदचिन्ह। कौन सी पुस्तक है? भारतीय कला के पदचिन्ह, भारतीय कला के पदचिन्ह। और ये पुस्तक इन्होंने कब लिखी है? तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है 1961 में। कब लिखी है? 1961 में लिखी है भारतीय कला के पदचिन्ह। ये हो गई एक इनकी इम्पोर्टेंट पुस्तक। दूसरी पुस्तक है प्राग ऐतिहासिक भारतीय चित्रकला। और आप जानते हैं ये पुस्तक किसकी है? प्राग ऐतिहासिक भारतीय चित्रकला, डॉक्टर जगदीश गुप्ती। प्राग ऐतिहासिक भारतीय चित्रकला, प्राग ऐतिहासिक भारतीय चित्रकला, प्राग ऐतिहासिक भारतीय चित्रकला। और इन्होंने ये पुस्तक कब लिखी है? 1967 में लिखी है। कब? 1967 में लिखी है। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे क्या है और इनकी कौन कौन सी पुस्तक है। तो नेक्स्ट है नाव के पाँव। किसके? नाव के पाँव। ये इनकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक हो गई। और एक कौन सी है? बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, ठीक है। तो ये इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट पुस्तक हो गई। कौन कौन सी हो गई? भारतीय कला के पदचिन्ह, प्राग ऐतिहासिक भारतीय चित्रकला, नाव के पाँव और बोधि वृक्ष। ये इनकी पुस्तकें हो गई। और ये कब लिखी गई थी? तो 1961 में लिखी गई थी भारतीय कला के पदचिन्ह और भारतीय प्राग ऐतिहासिक चित्रकला यानी प्राग ऐतिहासिक भारतीय चित्रकला 1967 में। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अब आगे देखेंगे इनकी प्रदर्शनियों के बारे में। तो अगर इनकी प्रदर्शनी की बात करें तो इनकी जो प्रदर्शनी थी वह एकल प्रदर्शनी हुई थी, यानी इन्होंने अकेले अपनी एक प्रदर्शनी आयोजित की थी। कब? तो 1994 में। और कहाँ पर? इलाहाबाद संग्रहालय में, ठीक है। नेक्स्ट है एकल प्रदर्शनी, ठीक है। कैसी हुई थी इनकी प्रदर्शनी? एकल प्रदर्शनी थी। और कहाँ पर हुई थी? तो अभी मैंने आपको बताया इलाहाबाद संग्रहालय में हुई थी। कहाँ पर? इलाहाबाद संग्रहालय में। और कब? 1994 में। तो 1994 में इलाहाबाद संग्रहालय में हुई थी इनकी प्रदर्शनी। चलिए अब आगे देखेंगे इनकी क्या विशेषता थी, ये मतलब किस लिए जाने जाते थे, ठीक है। तो इनकी विशेषता की अगर बात करें तो ये रेखांकन चित्रण में हस्त सिद्ध थे, यानी रेखांकन चित्रण बहुत अच्छे से करते थे। विशेषता की अगर बात करें तो ये किस में सिद्ध हस्त थे?
रेखांकन चित्रण में सिद्धहस्त थे, रेखांकन चित्रण में सिद्धहस्त थे। अब देखेंगे इनके पुरस्कारों के बारे में। पुरस्कारों में अगर बात करें तो इन्हें भारत भारती पुरस्कार दिया गया था किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किससे सम्मानित किया गया था इन्हें? भारती पुरस्कार से। और किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आप देख लेंगे इनके पुरस्कार। पुरस्कार इन्हें किससे सम्मानित किया गया? तो भारत भारती पुरस्कार से, भारत भारती पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार। और इन्हें ये किसके द्वारा दिया गया था? तो इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया था ये पुरस्कार इन्हें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। चलिए अब देखेंगे इनके चित्रों को। प्रसिद्ध चित्रों में अगर बात करें तो ये किसमें? आप जानते हैं रेखांकन चित्रण में सिद्धहस्त थे, तो इन्होंने किसका रेखांकन किया होगा? तो प्रसिद्ध चित्रों में अगर बात करें तो सबसे पहला है इनका दीप शिखा। ठीक है, दीप दीप चित्र श्रृंखला इन्होंने बनाई थी। दीप चित्र श्रृंखला किसकी है? तो ये जगदीश गुप्त की है, दीप चित्र श्रृंखला बनाई। और इसमें क्या किया था इन्होंने? महादेवी वर्मा का चित्रण भी किया था। किसका? महादेवी वर्मा का चित्रण भी किया था, महादेवी वर्मा का चित्रण किया था। ठीक है, नेक्स्ट और किसका किसका किया था इन्होंने? इन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी व्यक्ति चित्र बनाया था। ठीक, किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी इन्होंने क्या बनाया था? व्यक्ति चित्र बनाया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यक्ति चित्र बनाया था। तो ये हो गए आपके जगदीश गुप्त, इनसे संबंधित जो भी जो इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने आपको बता दिया, एक बार अच्छे से देख लेंगे इसको। तो अब इनके प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? अगर आपसे दीप चित्र श्रृंखला पूछी जाएगी तो वह किसकी है? जगदीश गुप्त की है। और इसमें किसको चित्रित किया गया है? महादेवी वर्मा का इसमें चित्रण किया गया है। नेक्स्ट था इनका, इन्होंने किसका चित्रण किया था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। इनका इन्होंने क्या बनाया था? व्यक्ति चित्र बनाया था। किसने? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। ठीक है, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इनकी विशेषता क्या थी? तो ये रेखांकन चित्रण में सिद्धहस्त थे, यानी ये रेखांकन बहुत अच्छा करते थे। अगर इनकी प्रदर्शनियों की बात करें तो इनकी ये एकल प्रदर्शनी हुई थी, और वो हुई थी 1994 में, और कहाँ पर? इलाहाबाद संग्रहालय में हुई थी। ठीक है, चलिए इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो भारतीय कला के पदचिन्ह जो इनकी पुस्तक है, वो जो 1961 में लिखी गई थी, प्राग ऐतिहासिक भारतीय चित्रकला 1967 में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, नाव के वृक्ष ये इनकी एक पुस्तक होगी, और बोधि वृक्ष। नेक्स्ट इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 3 अगस्त 1924 को कहाँ पर हुआ है? हरदोई जिले में हुआ है। ठीक है, शिक्षा इनकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई, और कलागुरु इनके कौन थे? क्षितिनाथ मजुमदार। तो ये हो गए जगदीश गुप्त। आई होप आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा, और जगदीश गुप्त अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।